अगर कोई यहाँ पे थाने में कोई एक जो है चोर आ जाए, कहते साहब यहाँ लोग मर्डर करके चले जाते हैं, हमारा तो छोटा सा अपराध है, इसका मतलब वो अपराधी नहीं है? नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप तो नहीं गलत। आपने जो चाट वाले का एग्जाम्पल आप थाने आप मेरा नंबर नोट कर लिया है ना। चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो गई है, तो हम लोगों को इस समय दोहरा दायित्व का निर्वहन करना पड़ रहा है। अपने विभागीय जांच कार्य के साथ साथ एसटीएफ के रूप में गोविंद नगर थाने में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो आज हम लोग यहाँ पे मसानी चौराहे पे पुलिस चौकी के पास रोड चेक यहाँ चेकिंग कर रहे थे, तो एक एक्टिवा ये गाड़ी जो है ये आते हुए एक लोग इसमें पीछे बैठे हुए थे और चार पांच बैग लेकर के आ रहे थे, तो हमारे दीवान जी ने इनको रुकवाया। हम लोगों ने उसको खुलवाया, देखा, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी की गई कि क्या माल है। तो इनके द्वारा जो ड्राइवर जो गाड़ी को चला रहे थे, मिस्टर विशाल शर्मा, उन्होंने अपना नाम बताया। तो उनका ये कहना था कि हम इसको चौक बाज़ार से, इसमें गिलट के पाजेब हैं और चांदी के कुछ घुंघरू ले करके जा रहे हैं जाभवर के लिए। तो उससे संबंधित प्रपत्र हमने उनको प्रस्तुत करने के लिए कहा कि आप जो माल ले जा रहे हैं तो इसका कोई इनवाइस वगैरह आपके पास होगा, कोई चालान वगैरह होगा तो उसको आप दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई भी प्रपत्र हमें नहीं मिला है, न तो किसी ने दिया था और न ही कहीं से प्राप्त करने का मुझे निर्देश हुआ है। तो इस आधार पे उस पर चूँकि ये वाणिज्य कर विभाग का राजस्व इसमें निहित है और बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट से इस माल का परिवहन हो रहा था, तो नियमानुसार इस गाड़ी को और इस माल को हमने इंटरसेप्शन जारी करते हुए यहाँ थाने में ले आए और आपके सामने इसका वजन कराया गया। अब इसमें सफ़ेद धातु है, अब इसमें चांदी है कि गिलट है कि क्या है, इसको कल हम हर एक नग में से, जिसमें इसमें कुल मिला जुला के 5 कट्टे थे और एक छोटी सी पॉलिथीन में माल था, सबको रखवा रहा हूँ यहाँ माल गोदाम में थाने में। यहाँ से कल हम पार्टियाँ जो भी होंगी, जिनका भी माल होगा, उनकी उपस्थिति में इसको सील को खुलवा करके उसको उसमें से सैंपल निकाल कर उसकी हम टंच करवाएंगे, उसमें जो प्योरिटी होगी उसके आधार पर नियमानुसार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। कितना माल बरामद हुआ और किन किन लोगों का है? नहीं, अभी तो यहाँ पे जब माल रोका गया तो 2-3 लोग आए थे, उन्होंने अपना बताया कि मेरा ये माल है, कुछ माल है मेरा, कुछ इतना माल है, तो वो पूरा का पूरा माल एक साथ ही अभी उसको यहाँ पे सील बंद करते हुए उसमें माल गोदाम में जमा कराया जा रहा है। और टोटल वजन जो कराया गया अभी, उसमें कट्टे बैग और उसमें पॉलिथीन भी अंदर है, उसका सहित कुल 178 केजी के समथिंग आया है। अब इसको कल निकाल करके पूरा होगा, जब इसमें एक बार फिर से टंच कराया जाएगा, टंच कराने के बाद जो प्योरिटी आएगी उसके आधार पर हम उसमें से कट्टे